तो खुली चुनौती दे रहा हूँ मोदी जी, असली आतंकवादी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये योगी आदित्यनाथ ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मरवाने का काम किया है। 2 महीने बाद बिहार में चुनाव है, फिर से देविंदर सिंह को सार्वजनिक बयान कराइए, क्योंकि सेना की लाश के ऊपर वोट कैसे मांगा जाता है ये कोई मोदी से सीखे। आतंकियों के साथ पकड़ाया तो उसका बेल कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मास्टरमाइंड एक प्लानिंग के तहत पुलवामा हमला कराया गया था, और देविंदर सिंह का बेल हो जाना इस बात का प्रमाण है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कराया था। ये जीता जागता प्रमाण है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि देविंदर सिंह का बेल हो जाना और आसानी से बेल हो जाना यह जीता जागता एक प्रमाण है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बम स्पोर्ट कराने के लिए देविंदर सिंह के गाड़ी के अंदर 2 आतंकी के साथ पकड़ा गया था देविंदर सिंह डीएसपी। पुलवामा हमले के समय में डीएसपी वहीं का था, पंजाब का, ये जम्मू कश्मीर का। तो आप समझ लीजिए कौन है असली देश का गद्दार, आप समझ सकते हैं। देश का गद्दार नरेंद्र मोदी है, देश का गद्दार अमित शाह है, देश का गद्दार योगी आदित्यनाथ है। ये 3 व्यक्ति हैं असली देश के गद्दार। शर्ज लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रमाण है, ये जीता जागता प्रमाण है देविंदर सिंह का बेल हो जाना। यदि नहीं है तो खुली चुनौती दे रहा हूं मोदी जी, देविंदर सिंह को सार्वजनिक बयान कराइए, मीडिया के अंदर सार्वजनिक बयान कराइए कि किसका हाथ था। देश की जनता जानना चाहती है कि हमारे 40 जवान जो शहीद हुए थे उसका मास्टरमाइंड कौन था, और देविंदर सिंह जब पकड़ाया, आतंकियों के साथ पकड़ाया, तो उसका बेल कैसे हो गया। इसका मतलब कुछ तो खिचड़ी है अंदर से, पक रही है खिचड़ी। और दिल्ली में दंग जब 2 आतंकी के साथ देविंदर सिंह पकड़ाया, तो दिल्ली में भी बम स्पोर्ट करने की एक साजिश थी चुनाव जीतने के लिए। और अब बिहार में चुनाव है, 2 महीने बाद बिहार में चुनाव है, फिर से हमारे देश की सेना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मरवाने का काम किया है, क्योंकि सेना की लाश के ऊपर वोट कैसे मांगा जाता है ये कोई मोदी से सीखे, नरेंद्र मोदी से सीखे। याद है ना पुलवामा हमला, कि अगले ही दिन राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से क्या इन शहीदों के नाम पे वोट मिल सकता है क्या। यह है देश का प्रधानमंत्री का चाल चलित्र, ये समझिए। हमारा देश, हमारे देश के नागरिक, हमारे वीर जवान को शहीद कर दिया जाता है भारत देश में चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए कितना घटिया किस्म का प्रधानमंत्री है हमारे देश में, जो चुनाव जीतने के लिए सेना को मरवाने का काम करता है। याद है, मैं जान रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। और वो कुछ अंधभक्त बोलते हैं, कभी आतंकी का पुतला जलाओ। रे भैया, मैं आतंक का ही पुतला जलाता हूं, आतंकवादी का ही पुतला जलाता हूं। असली आतंकवादी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये योगी आदित्यनाथ ही है। अभी समझोगे मेरी बात, कुछ सालों में समझोगे, लेकिन समझोगे कि धनेश्वर महतो सत्य बोल रहा था और तुम गलत थे। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, भारत में दूसरे किसी नेता में वो साहस नहीं है सच बोलने का, क्योंकि वो लालची है, उनको सत्ता से प्रेम है, कुर्सी से प्रेम है। धनेश्वर महतो को सिर्फ अपने देश से प्रेम है, अपने देश के नागरिक से प्रेम है।
मैं मरने से नहीं डरता मोदी जी, मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, मैं सत बोलता हूं, बहुत कड़वी होती है।